हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ एंड आज है बिपत्तारिणी पूजो, जो बंगाली का होता है। और अभी बजे हैं 7:30 सुबह के। मुँह आकर सब काम निपटा के गए हैं और मैंने निपटा रहे हैं, अभी सब कुछ हुआ नहीं। मैं सुबह सुबह उठकर मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया। अभी देखो मेरा बिस्तर विस्तर सब इधर उधर से अरेंज नहीं हुआ। मेरा लड़की अभी सो रहा है तो मुझे जाना है पूजा के लिए, और थोड़ा कुछ काम है शॉप में वो लाना है, तो इसके लिए मैं जाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी पूजा के कुछ थोड़ा थोड़ा सीन दिखाने के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चलते रहिए। तो देखिए, हम आ गए हैं पूजा मंदिर में। यहाँ मंदिर में जो ठाकुर है, जो पंडित है, वो पूजा कर रहे हैं। तो हम बैठे हैं पीछे में, हम पूजा दे रहे हैं माँ बिपत्तारिणी को। बिपत्तारिणी है दुर्गा का एक रूप, तो इसका ही पूजा होता है। इसके सब 13 आइटम्स देना पड़ता है, 13 फ्लावर 13 फ्रूट्स, ऐसा करके पूजा होता है। और ये डोर होता है बिपत्तारिणी का, ये 3 डेज रखकर भी आप गंगा में डाल सकते हैं और 1 साल भी रख सकते हैं, आपका जो मर्जी, पर 3 डेज रखना पड़ता है। तो देखिए सब आए पूजा देने के लिए। हमारा पूजा हुआ कंप्लीट, अंजलि भी हुआ कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं लौट चुकी हूँ घर पे, और घर पे लौट के देखिए मेरा बाबू सोना क्या कर रहा है। मेरा बाबू सोना वही मोबाइल लेके गेम खेल रहा है। इसका क्या मोबाइल का नेशा है गेमिंग का। मैं उठा के रख कर गई थी अलमारी का ऊपर, तो वो देखिए टूल है वहाँ पे, स्टूल लेकर वो अलमारी के ऊपर से उतार ली मोबाइल। और उसका जो है उसका देखिए, वो कैसे कैसे पोज देकर मोबाइल देखते हैं। देखिए उसका पोज देखिए, ये है उसका मोबाइल देखने का तरीका, ढंग। क्या लाजवाब तरीका है, क्या लाजवाब ढंग है। वाओ, क्या बोलूँ, आजकल सब बच्चों में यही एक दोष है। मेरी लड़की जो पढ़ रहा है, जो बड़ा है, वो भी वैसे मोबाइल देखता है। देखिए स्टूल लगा कर वो मोबाइल निकल ली। देखिए घर पर कुछ नहीं तकलीफ की, ये है मेरी खाना। मेरी खाना देखिए एकदम सादा माटा खाना है, क्योंकि मैं पूजा देकर आई हूँ। पर आज सारा दिन भर मैं कुछ नहीं खा पाऊँगी, ओनली 13 पूरी और ये सब्जी मैं वेज खा सकूँगी, और बिना नमक के खाना पड़ेगा। 13 पूरी होल डेज में, ऑल टोटल 13 पूरी हमें खाना है, और इसके अलावा एक भी ज़्यादा नहीं खा सकूँगी और कुछ भी नहीं खा सकूँगी। ओनली पानी पी सकूँगी और 13 पूरी और ये सब्जी खा सकूँगी। ये है मेरा फुल डे का 24 आवर्स का खाना। तो ये 13 पूरी के अंदर मैं अभी दोपहर में लंच में खाऊँगी 6 पूरी एंड 7 पूरीज खाऊँगी डिनर में। बाद जो गैपिंग है उसके अंदर मैं कुछ नहीं खाऊँगी, 2 कप चाय पीऊँगी बस, और कुछ नहीं खाऊँगी। यही है माँ बिपत्तारिणी का पूजा का सिस्टम, तो यही खाना पड़ता है नमक के बगैर। जो भी खाना है नमक के बगैर खाना है, नमक देना नहीं पड़ता, नमक एकदम नहीं डालना है। और ये है रहा मिर्ची, ये मेरी फेवरेट सब्जी है, और ये मुझे जितना दो मैं खा सकती हूँ। मिर्ची के बगैर मुझे कोई खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे तीखा बहुत बहुत अच्छा लगता है, पसंद है मीठा एकदम नहीं। तो मैं बैठी हूँ खाना खाने, तो देखिए मेरा आज का खाना सब लंच कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मछली चावल दाल भात सब्जी भाजी सब खा रहे हैं, और मैं खा रही हूँ ये। तो मैं अलग घर में मेरे बेडरूम में बैठकर खा रही हूँ, इसीलिए वो लोग डाइनिंग में बैठ के खा रहे हैं। मैंने बोला आप लोग मत खाओ। अभी देखिए खाना खा के मेरी बेटे का देखिए, फिर उसका और एक पोज आ गया मोबाइल देखने के लिए। देखिए फिर और एक पोज में मोबाइल, अभी उसका टीचर आएगा ना, इसीलिए मैंने बोली डांटी, तो वो जा रहा है खाट के नीचे। तो आज हम यही हमारा ब्लॉग ख़त्म करते हैं। दिन भर कुछ नहीं करूँगी, अभी सोऊँगी, उसका टीचर आएंगे वो पढ़ेंगे, और रात को डिनर करके हम सो जाएंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं जानती हूँ कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, टूटा था पहले भी ये दिल, एक बार फिर से टूट जाएगा, पर इस बार मैं खुद से एक वादा करूंगी, दूसरों से कम और खुद से प्यार ज्यादा करूंगी। मैं हंसती रहती हूँ अक्सर, इसलिए कोई जान नहीं पाता।